सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज के सुन फिर से बताने वाला, अगर एक वॉलेट की तलाश में जो अपना छोटा मोटा कामों कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज करना हो, डिश रिचार्ज करना हो, बिजली बिल पे करना हो, कहीं ऑनलाइन पेमेंट करना हो, आपके लिए अमेजन बेस्ट एप्लीकेशन होने वाली है। अमेजन में कैसे KYC किया था, कैसे अमेजन वॉलेट यूज किया था, आज की इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। शुरू करने छोटी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए चैनल कर दो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर प्रेस, लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। आपको सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से अमेजन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि पहले से मैंने ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर कर रखा। चलिए इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको KYC करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अमेजन अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अमेजन अकाउंट क्रिएट करेंगे तभी आप वहाँ पे आपको अमेजन वॉलेट यूज़ कर पाएंगे और अमेजन का KYC वहाँ पे कर पाएंगे, क्योंकि मैंने पहले से अमेजन का अकाउंट क्रिएट कर लिया। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले आपको अमेजन अकाउंट वहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। अमेजोन का इस तरह का आपके पास यूज़र इंटरफेस खुलकर यहाँ पे आपको शो करेगा। यहाँ पे आपको देखिए साइड में यहाँ पे आपको 3 लाइन पे क्लिक करना है। यहाँ के नीचे के साइड में 3 लाइन है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अमेजोन पे के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे तो ये थोड़ा लोडिंग लेगा। देखिए मैंने यहाँ पे मेरे अमेजोन वॉलेट में 1 रुपीज़ पड़ा हुआ है, क्योंकि मेरा यहाँ UPI ID यहाँ पे पूरा बना हुआ। अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारा फंडिंग, आपको देखिए यहाँ QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ सेंड मनी कर सकते हैं, यहाँ गिफ्ट पेमेंट, यहाँ पे इनवाइट एंड फ्रेंड को यहाँ पे कहीं लिंक भेज सकते हैं। यहाँ पे देखिए पेंडिंग UPI ID। सबसे पहले आपको यहाँ पे KYC कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ KYC कंप्लीट करिए, आपको देखिए यहाँ पे नीचे की साइड में देखिए आपको KYC का ऑप्शन है, KYC का ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पर इस तरह का प्लीज़ रजिस्टर फॉर अमेजोन पे बैलेंस, और यहाँ KYC आपको कंप्लीट करना होगा। KYC कंप्लीट किया, आपको देखिए यहाँ पे हैव मोर रिक्वेस्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ लेनी है। KYC का पढ़ने किस किस तरह अमेजोन की यहाँ पे KYC आपको करना, वो सिस्टम आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। इस तरह से आपको ये चीज़ें फॉलो करना, आपका KYC यहाँ पे हो जाएगा। करने के लिए देखिए आपको यहाँ पे अपलोड KYC डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा लोडिंग है। लोडिंग लेने में देखिए यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे लिंक है, यहाँ पे अमेजोन के साथ यहाँ पे मेरा नाम है। आपको देखिए यहाँ पे कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे देखिए बहुत सारा यहाँ पे पैन कार्ड, यहाँ पे पासपोर्ट, यहाँ पे वोटर ID, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, कोई सब एक यहाँ पे आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे से। चलिए यहाँ पे मैं पैन कार्ड ले लेता हूँ। पैन कार्ड लेने के बाद आपको यहाँ पे पैन कार्ड का यहाँ पे आपको नंबर डालना पड़ेगा, जो पैन कार्ड का नंबर है। चलिए फटाफट से नंबर मैं डाल लेता हूँ यहाँ पर, जो मेरा पैन कार्ड का नंबर है। जो डालने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ थे, देखिए यह मेरा पैन कार्ड यहाँ पे नहीं ले रहा है। यहाँ पे चलिए मैं दूसरा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। चलिए यहाँ पे मैं वोटर आईडी कार्ड को ले रहा हूँ। वोटर आईडी कार्ड लेने यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड का आपको नंबर डालना पड़ेगा। वोटर कार्ड मैंने डाल दिया, यहाँ पे वोटर का नंबर लेगा, कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए थोड़ा प्रोसेसिंग आपको यहाँ पे लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद देखिए इस तरह का यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे वॉलेट यहाँ पे आपको ऐड करने का है। देखिए यहाँ पे बहुत सारा 500, 1000, 2000 का यहाँ पे आपको लिस्ट आ गया। 100 भी कर सकते हैं, जितना आपको करना हो वो यहाँ पे बैलेंस है। मेरे यहाँ पे पहले से मेरे केस में 1 रुपीज़ यहाँ पे ऐड है। यहाँ पर बतला रहा है 1 महीने में आप 10,000 तक ऐड कर सकते हैं, 1 साल में 1,00,000 रुपये तक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं 500 रुपीज़ यहाँ पे कर लेता हूँ। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये थोड़ा लोडिंग मिलेगा। लोडिंग लेने के बाद इस तरह यहाँ देखिए आप पेमेंट करने के बहुत सारे यहाँ पे फ्यूचर आपको यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे जिस तरह से पेमेंट कर सकते हो वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर आपके पास। वो अगर आपके पहले से बैंक अकाउंट में लिंक है उससे पेमेंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप नेट बैंकिंग से या डेबिट कार्ड से यहाँ पे हाइट अदर पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे आपको पेमेंट करने का आ जाएगा, पेमेंट ऐड करने का। चलिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे डेबिट कार्ड को, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। डेबिट कार्ड पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड का आपको नंबर डालना पड़ेगा। डेबिट कार्ड से पेमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पर मैं अदर UPI नेट बैंकिंग पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ यूज़ नेट बैंकिंग पे यहाँ पर बहुत सारा बैंक यहाँ पे ऐसा आप करते हैं। मैं HDFC बैंक यहाँ पे सिलेक्ट कर ले हूँ। इसके बाद सिलेक्ट करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे ऑर्डर एंड पे क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा लोडिंग मिलेगा। लोडिंग लेने के बाद इस तरह का ऑप्शन यहाँ पे खुल कर आपके पास यहाँ पर थोड़ी देखिए यहाँ प्रोसेसिंग आपको ले रहा है। आपको वेटिंग करना पड़ेगा। जो यहाँ पे नेट बैंकिंग का पासवर्ड, वो पासवर्ड यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ, जो HDFC बैंक का कस्टमर आईडी यहाँ पे, वो फटाफट से मैं फिल कर ले रहा हूँ। आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो आपको यहाँ पे इसका नेट बैंकिंग का पासवर्ड और पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर आपको डाल लेना है। चलिए फटाफट से यहाँ पे मैं पासवर्ड यहाँ पे फिल कर ले रहा हूँ, जो मेरा HDFC बैंक का पासवर्ड है। डालने के बाद आपको यहाँ पे देखिए टिक मार्क करना, आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना पड़ेगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा। प्रोसेसिंग लेने के बाद देखिए आपको यहाँ पे देखिए आपको फादर और यहाँ पे आपको नाम डालने का रहा। चलिए फादर का नाम यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ। चीज़ फिल करने आपको सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे देखिए कोई गलत बता रहा है या नहीं ले रहा है। यहाँ पे मंगा जा रहा है, यहाँ पे निक नेम मंगा जा रहा है,
यहाँ पे ब्रोदर नेम मैं इधर चलिए यहाँ पे निक नेम और ब्रोदर नेम यहाँ पे मैं डाल के सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। तो आगे का प्रोसेस में दिखा रहा हूँ आपके मोबाइल नंबर पे एक वन टाइम पासपोर्ट आएगा। पासपोर्ट डाले का आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना। चलिए मेरा पासपोर्ट अभी तक नहीं है, पासपोर्ट का वेटिंग कर लेता हूँ। लेकिन मेरा पासपोर्ट आ गया, चलिए डाल के यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपलोडिंग यहाँ पे ले रहा है, कुछ समय आपको यहाँ पे वेटिंग करना पड़ेगा। देखिए लोडिंग यहाँ पे ले रहा है, लोडिंग लेने का देखिए यहाँ पे मेरा 500 रुपीज़ यहाँ पे ऐड हो चुका है। यहाँ पे टोटल मेरा अमेजोन वॉलेट में ऐड हो चुका है। चलिए यहाँ पे मैं बैक आ जाता हूँ। यहाँ पे साइड में 3 लेन पे क्लिक करना पड़ेगा। 3 लेन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे KYC पे क्लिक करना पड़ेगा। KYC पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना पड़ेगा। आपको देखिए एक फोटो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई आपको एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस वो ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको यहाँ देखिए ID प्रूफ आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। आपको यहाँ तीनों चीज़ अपलोड कर यहाँ डम्स का स्कर्ट आपको सबमिट पे क्लिक करना है। चलिए यहाँ पे मैं तीनों चीज़ यहाँ पे फटाफट से फोटो यहाँ पे एड्रेस प्रूफ यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पे तीनों चीज़ डाल के आपको सबमिट पे क्लिक करना। यहाँ पे ऐड कर चुका है बटन्स को एक्सेप्ट करना, आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना। सबमिट पे जैसे क्लिक यहाँ पे ये थोड़ा देखिए अपलोडिंग प्लीज वेटिंग, आपको थोड़ा कुछ समय का यहाँ पे वेटिंग करना पड़ेगा। वेटिंग करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दो ऑप्शन यहाँ पे आपके पास आया, टू ऑप्शन आया हुआ यहाँ पे KYC with CKYCR यहाँ पे आपको आई प्रूफ से वेरीफिकेशन। आपको यहाँ पे ये सेकंड वाला ऑप्शन सेट करना है। यहाँ पे आपको शेड्यूल अपॉइंटमेंट यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये थोड़ा यहाँ पे आपको लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद देखिए यहाँ पे वो वेटिंग कर रहा है। यहाँ पे आपको शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ये लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद देखिए आपको यहाँ पे एड्रेस आपको पूरा यहाँ पे पूरा कंप्लीट एड्रेस आएगा, जो एड्रेस आपने यहाँ पे डाला यहाँ पे पूरा नाम होगा। यहाँ पे यूज़ दिस एड्रेस पे क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए थोड़ा यहाँ पे आपको लोडिंग लेगा। लोडिंग लेगा इस तरह का आपके पास यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे खुल के आ जाएगा। यहाँ पर बता रहा है किस डेट को यहाँ पे एजेंट को बुलाना चाहते हैं, कितने टाइम में बुलाना चाहते हैं, वो टाइम आपको यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे मैं टाइम और डेट यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ, जिस टाइम को यहाँ पे मैं यहाँ पे एजेंट को एड्रेस पे बुलाना चाहता हूँ KYC यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए, वो डेट यहाँ पे तारीख में यहाँ पे सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। मैंने 15 अगस्त यहाँ पे चूज़ किया टाइम। मैं यहाँ पे यहाँ से मेरे एक से या दो बजे मेरे यहाँ पे एड्रेस पे एजेंट आएंगे PM। यहाँ पे मैंने 15 अगस्त टाइम यहाँ पे चूज़ कर लिया। आपको जो टाइम वहाँ पे डेट चूज़ करना है वो टाइम यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना। यहाँ पे देखिए आपको मोबाइल फ़ोन नंबर यहाँ पे 4 डे ऑफ यहाँ पे सर्विस चेंज भी मोबाइल नंबर यहाँ से कर सकते हैं। पूरा चीज़ यहाँ आपको डालने के बाद आपको टर्म्स को एक्सेप्ट करना, आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ देखिए आपको यहाँ पर यहाँ पे कोई भी आपको यहाँ से एजेंट आपसे कोई भी चार्ज नहीं देगा, बिल्कुल भी फ्री में, यहाँ 0 बैलेंस में आपका यहाँ पे KYC कंप्लीट करेगा। कोई भी पैसा आपको वहाँ पे देना है एजेंट को नहीं। ये पूरा चीज़ चेक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे पे योर ऑर्डर पे क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये थोड़ा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद इस तरह का ऑप्शन यहाँ पे पास खुल कर यहाँ पे आ जाए। थैंक्स यू फॉर शॉपिंग विथ यूज़ यहाँ पे मेरे पास प्लीज़ क्लिक योर ईमेल ID फॉर योर कन्फर्म एंड डिटेल्स डिलीवरी इंफॉर्मेशन और विजिट मैसेज यहाँ पे इंटर टू रिवर्स योर नोटिफिकेशन। मेरे पास जब भी यहाँ पे एजेंट आएगा मेरे ईमेल पे वहाँ पे मैसेज कर देगा। यहाँ पे वो लिखा हुआ जब भी आएंगे यहाँ पे मुझसे कॉल करेंगे, मैसेज हमारे करेंगे, जो हमारे एड्रेस पे वहाँ पे एजेंट आ जाएंगे।